हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बनाने चलते हैं गाजर का हलवा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत झटपट बनने वाला है। ये गाजर ले ली, इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और कद्दूकस से कस लेंगे इसे। ये देखिए कद्दूकस है, इसमें अच्छे से कस लेंगे। ये देखिए कद्दूकस से कस लिया है गाजर को। अब इसे बॉयल करेंगे। एक बर्तन में भगोने में गाजर डाल लिए। अब इसे रख दिया गैस पे। ये बहुत झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी गाजर का हलवा लगता है। इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं डालनी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बना के बस तैयार करना है। इंडक्शन चालू कर देते हैं। अब इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। एक कटोरी चीनी डाल देंगे इसी में। वन फोर्थ कप मिल्क डाल दिया इसमें। अब इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे पकने देंगे अच्छे से, जिससे चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और गाजर भी अच्छे से गल जाएगी। ये देखिए अच्छे से गल रही है, बॉयल आ रहा है, पर अभी इसमें पानी है, इसे और खुश करना है, अच्छे से भूनना है इसे। इसे और भूनेंगे थोड़ी देर तक की, 10 मिनट करीब और भूनेंगे। ये देखिए अभी भी चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है, तो इसे ढककर 5 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। इसे बार बार चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे लग जाएगा, इसलिए अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें ये हरी इलायची है, इसे तोड़ के छील के डाल देंगे ऐसे ही। ये जब मुँह में टेस्ट आती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए इसे ऐसे ही छील के डालेंगे, इसके पीस के पाउडर नहीं बनाएंगे, इसी तरह छील के डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से छील लिया, सारी इलायची इसी तरीके से डाल देंगे हरी इलायची। अब ये देखिए भूनने लगा है। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे, और इसमें घी ज़्यादा नहीं जाता है। इसे लगातार भूनना है, बस इसे अब छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। अब इसमें 1 कटोरी खोबरा डाल देंगे, नारियल का बुरादा, और 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर भी डाल दिया है क्योंकि इसमें मैंने मावा नहीं डाला है, मावा की जगह मैंने मिल्क पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अब इसे अच्छे से भूनते हैं, भूनेंगे थोड़ी देर और। अब इसमें मीठा केवड़ा डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब इसे थोड़ी देर और भूनेंगे, बस फिर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे अपने हिसाब से, कम ज़्यादा, और भी चाहें इसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें बादाम और काजू डाले हैं। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए मुझे कैसा लगा है आपको। बहुत झटपट बन जाता है, बहुत कम टाइम में, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और झट से तैयार हो जाता है। आप भी खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए बनाकर, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसे बना हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने की मिली। बाय।